नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मार्केट्स अगर आप देखें थोड़ा डे हाई से ट्रिम हुए हैं। अब देखें आज का इंटर डे हाई था करीब 8675, करीब 8657 के स्तर पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप देखें हाई लेवल से नीचे, आई थिंक पोस्ट यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग है, देखें तो शायद इसमें एक फिर एक डिसाइसिव मूव आए। लेकिन देखिए बाजार की बात और बाजार की इस वक्त की बिहेवियर पर बात करने से पहले आई थिंक मैं एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो आज के इस पूरे सेशन का था वो था आदित्य बिरला ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग। आई थिंक फोकस हम इसी पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर का हित सबसे बड़ी बात होती है और वो कहीं ना कहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि शायद उसका ख्याल नहीं रखा गया इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में। मेरे साथ बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ मिस्टर अनिल सिंह भी जुड़े हैं आई कैन इन्वेस्ट एडवाइजर से बात करने के लिए। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर आपको एग्जैक्टली जब परसों दो दिन पहले एक खबर आई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है, फिर खंडन भी हुआ, लेकिन पहली चीज़ आई थिंक जो आपको एक मैनेजमेंट साइकोलॉजी जिसे कहते हैं उनके दिमाग में क्या था उसको उन्होंने किया, लेकिन उसको करते वक्त क्या इन्वेस्टर्स के हितों का ख्याल रखा गया है? प्राइमर फेस से आपका इसका आउटलुक क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से ये पूरा स्कीम जो लेके आया है कि भाई थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत काम हुआ है। वो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उनका मेरे हिसाब से सिचुएशन ये रहा होगा कि भाई एबी नुओ में आगे क्या करना चाहिए, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और लोग उस शेयर को खरीद रहे थे लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई आइडिया के हिसाब से कोई शेयर नहीं खरीद रहा था। तो उसका एक जवाब निकालने के हिसाब से जो उन्होंने कोशिश की कि इसको लेके फिर एबी नुओ को बिल्कुल खत्म कर लें और इसको ग्रासिम में डाल दें और उसके अटेंडेड इशूज पर मेरे ख्याल से उतना गौर नहीं लगाया गया, तो उसके चलते आज ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो सामने आ रहा है ये उसी का नतीजा है। और दूसरा मेरे ख्याल से कई बार मैंने देखा है, मेरे खुद के एक कॉर्पोरेट करियर में एक रहा है कि काफी एग्रेसिव बैंकर्स जब लग जाते हैं काम पे तो वो एक्चुअली काफी बार ये छोड़ देते हैं कि आगे शेयरहोल्डर्स का, माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का या आउटसाइड शेयरहोल्डर्स का क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा। वो एक व्यू लेते हैं कि ये एक्सरसाइज आप ऐसे कर लीजिए और इसके स्ट्रक्चर के करते हुए आपकी होल्डिंग 30% से 39% हो जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रलोभन प्रमोटर के हाथ में छोड़ देते हैं कि आप ये स्ट्रक्चरिंग कर लो, वो इतना फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट भी हो जाएगी और आपका 30% से 39% आपकी शेयर होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। तो ये कई बार मैंने एग्रेशन बैंकर्स का देखा है, बट आई ऑलवेज हैव अ फीलिंग कि कॉर्पोरेट में खुद के जो समझदार लोग होते हैं उनको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि आगे चलते एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए, एक आउटसाइड शेयर होल्डर के लिए ये जो हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इसका मायने क्या है। अब ग्रासिम का जो शेयर होल्डर है उसको क्या करना है टेलीकॉम से या फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रासिम का शेयर इन दोनों चीजों के लिए नहीं लिया था और न एबी नुओ का शेयर को कोई सीमेंट से या टेक्सटाइल से दरोकार है। तो ये बहुत, और 20-25 साल पहले या 15 साल पहले आप देखें तो हिंदुस्तान में चल जाता था कि जो प्रमोटर स्कीम लेके आए शेयर होल्डर का कोई खुद का कोई वजूद नहीं था, पर आप जब से ये हो गया कि आप तो वोट नहीं कर सकते, अब वोट जो करेगा वो आउटसाइड शेयर होल्डर करेगा। एंड आई डोंट यूज, आई हेट यूज माइनॉरिटी, बिकॉज जब ग्रासिम में प्रमोटर की होल्डिंग 30% है तो माइनॉरिटी कौन है? प्रमोटर के आउटसाइडर। सर वही एक चीज, और आई थिंक सर एक चीज ये भी थी, आई मीन देखिए जब ये खबर आई थी कि भाई एग्जैक्टली ये हो सकता है डील का स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग में क्या आया कि आप एग्जैक्टली आप वित्तीय कारोबार को अलग करना चाहते हैं, एबी नुओ को कुछ स्ट्रेंथ और दीजिए, आप आइडिया की बुक्स को मजबूत कीजिए। लेकिन अब अल्टीमेटली जो कल सबसे पहला प्रश्न मेरे जहन में आ रहा था कि आपने ग्रासिम को या फिर एक न्यू ग्रासिम को एक होल्डिंग कंपनी का तमगा दे दिया, क्या इसका इन्वेस्टर ये पसंद करेगा? सर नहीं, मुझे तो इस स्कीम में बहुत चैलेंज लगता है। मुझे लगता नहीं कि आउटसाइड शेयर होल्डर जो आज 70% ग्रासिम में है और 55-60% जो एबी नुओ में है ये स्कीम को अप्रूव करने देंगे। उसमें काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं, कैसे वो अग्री करेंगे जब उनको आज देखिए कि एक सेक्टरल अलॉटमेंट भी होता है, अलोकेशन होता है कैपिटल का, बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो उनका है कि भाई आप जो ग्रासिम ले रहे हो तो चलो एक आप सीमेंट पे व्यू ले रहे हो, टेक्सटाइल पे व्यू ले रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट वांट टू टेक अ व्यू ऑन टेलीकॉम, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई व्यू नहीं है, क्यों आप ग्रासिम के शेयर को होल्ड करोगे? और पहले ऐसा था कि भाई आपको अगर नहीं समझ में आया आप भेज दो और ठीक है दूसरे लोग देख लेंगे, अब वो नहीं है आप, क्योंकि आप उसको आपको उसके वोट की जरूरत है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इफ यू डोंट लाइक इट सेल इट एंड गेट आउट। अब वो खड़ा रहेगा, वो अपना अपना वजूद बताएगा कि जब आप मेरे से अप्रूव लोगे तभी स्कीम पास होगी, तो मैं डटा हूं देखूंगा कैसे स्कीम पास होती है। तो मुझे इसका बड़ा एक चैलेंज लग रहा है प्रमोटर्स के हिसाब से कि ये कैसे होगा, और जो बैंकर्स ने ये स्कीम बताई है मेरे ख्याल से तो उन बैंकर्स को बुला के वापस पूछना चाहिए कि आपने ये ऐसा किया था, आपने देखा था कि इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन आएगा। मेरे हिसाब से जो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इतनी बड़ी
मोटी फीस लेके जाते हैं, उनको वापस बुला के पूछना चाहिए था कि आपने जब ये स्कीम बताई थी तो आपने टेस्ट किया था कि इस तरह का अगर स्कीम लाएंगे तो शेयरहोल्डर का क्या होगा। एक और चीज सर, अब जब एवी नोवो को बीते अगर आप 6 महीने में उसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखें, आपको 1100 के स्टॉक को बाजार ने 1600 कर दिया, दैट मीन्स जैसे आप देखिए एनबीएफसीज में जो मूव चल रहा है उसमें भी एक मूव था, दैट मीन्स रियली एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर मेरा उसके जो उसका वित्तीय कारोबार था उसमें इंटरेस्ट था। जिस तरीके से एवी नोवो की एग्जिस्टेंस को खत्म किया गया सर, इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार काम हुआ है, बहुत ही मेरे ख्याल से तो इसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर बहुत काम, आप देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न्स देखें एबी नुओ का, उस हिसाब से शेयर पहले रैंप अप हो गया, फिर कहीं से लीक हो गई खबर और फिर वो सारा काम हो गया, काफी लोग कल के न्यूज आने के पहले निकल गए। ये क्या काम हो रहा है और ये लीक हुई कैसे? 3-4 दिनों से काफी चैनल्स हैं, पता नहीं आपके चैनल ने किया नहीं, काफी चैनल्स हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने आपको 9 अगस्त को बताया, 8 अगस्त को बताया, अरे आपके पास खबर आई कैसे, ये बताया कैसे? वो बेचारा जो कॉमन शेयर होल्डर है वो तो ट्रस्ट करता है मैनेजमेंट कि कोई चीज आप लेके आओगे पहले लीक नहीं होगी, मैं आपकी न्यूज की वेट कर रहा हूँ न कि रूमर्स की वेट करके काम करूँ। तो काफी इसमें एबी नुओ का जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि जो लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से लोगों के शेयर खरीदे थे, आज जब ये स्ट्रक्चर के सामने आया तो दे फील वेरी चीटेड एंड राइटली सो। मेरे हिसाब से तो ये मुझे लगता है, मेरी जो एक मान्यता है कि ये स्कीम या तो मैनेजमेंट अगर बहुत समझदार है और उनको शेयर होल्डर्स का कुछ भी यू नो एक इमोशन है या एक वैल्यू है तो ये वापस ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके स्कीम को पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। फिर एबी नुओ का क्या काम करना है, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे लिस्ट करनी चाहिए, उसको एक बार वापस उसको रिविजिट करना चाहिए, पर ये पूरी स्कीम को रद्द करना चाहिए। और अगर नहीं रद्द करेंगे तो शेयर होल्डर रद्द करेंगे, तो है कि आप ही रद्द कर लें तो ज्यादा अच्छा है, गुडविल बनी रहेगी, और वो करेंगे तो फिर इट विल बी अ वेरी टग ऑफ वॉर होगा बिना मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें वो एक वाकई अगर आप देखें बुरा विषय हुआ, शायद इनको खुद ही इस पर कदम पीछे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अनिल जी एक और चीज़, आई थिंक ये जब डिस्कशन हो रहा था ना पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का, एक बात कही थी कि आपको आइडिया को मजबूत करना है, आपको आइडिया को भविष्य के लिए मजबूत करना है बिकॉज दे आर एंटरिंग इन टू ऑक्शन प्रोसेस, टफ कंपटिशन है। लेकिन आप ये देखिए कि ग्रासिम का इन्वेस्टर जो कि आइडिया से जो टेलीकॉम से बहुत दूर बैठा था, सडनली आप एक ऐसी कंपनी को ले आए जिसको कैश जनरेट करने की जरूरत है, जो आपकी बुक्स के सहारे पैसा जनरेट करेगी। सो ये थॉट प्रोसेस ठीक थी क्या सर कि आइडिया को आप ग्रासिम में ले आए? हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब आइडिया तो मेरा तो एक ही कहना है और शायद आप वो मेरे ख्याल से टैगलाइन भी ले लेंगे कि दिस इज ये तो इज अ वेरी बैड आइडिया सर जी। ओके, आपके सारे थॉट्स मैंने वाकई अगर आप देखें मैंने ग्रासिम के प्रोस्पेक्टिव से, एबी नुओ के प्रोस्पेक्टिव से और आई थिंक आईडिया के प्रोस्पेक्टिव से सुने। क्या सर, चलिए थोड़ा सा इस विषय से बाहर निकलते हैं, एबी ग्रुप और इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से। सर ये थोड़ा सा मौका इसलिए भी यूटिलाइज करना चाहता हूं मैं, Q1 अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट सर मैच्योर हो चुका है, अपने अंतिम दौर में है, आज SBI के नंबर्स हैं, कल POB के नंबर्स थे। सर ये अर्निंग सीजन पूरा Q1 इसको कैसे आप देख रहे हैं सर, कैसे रेट करेंगे इस अर्निंग सीजन को आप? अब कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं रहा है, मिक्स बास्केट आई है, काफी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन के हिसाब से आई है, तो अभी भी काफी लोग वो जो बात कर रहे हैं कि नाउ वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ग्रोथ आ रही है, काम हो रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ठीक हो रही है, अभी तक उसका फर्स्ट क्वार्टर में इतना कोई रुझान नहीं समझ में आया कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड नाउ कॉर्पोरेट विल स्टार्ट, बिकॉज इन्फ्लेशन इज लो, कमोडिटी प्राइसेज लो हैं, ऑयल प्राइसेज लो हैं, उसके चलते भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा फर्स्ट क्वार्टर में उभर के नहीं आई है, तो वैल्यूएशन आज भी बहुत डिमांडिंग लग रहे हैं मुझे। और वो सारी चीज लिक्विडिटी के चलते है, जिस दिन लिक्विडिटी थोड़ी कम हुई उस दिन बाजार का क्या हाल होगा, इंडियन मार्केट्स आर नॉट वेरी डीप मार्केट, तो वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से एक मुद्दा रहेगा मेरे जहन में कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर रियली नॉट सपोर्टिव ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, अभी भी थोड़े से दे आर बिहाइंड द ट्रैक। सर मैं अभी वो आई थिंक जो ग्रासिम वाली खबर है मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आई थिंक आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो बैंकों के नतीजे हैं या फिर आज SBI के नंबर्स आने वाले हैं, अभी हम Q3 में और Q4 में और Q1 में भी बात यही कर रहे हैं कि एसेट्स क्वालिटी और बुरे NPAs और ख़राब NPAs का दौर क्या पीछे छूट चुका है या फिर अभी एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर हमारा पीछा और करेगा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? मुझे नहीं लगता कि सारी जो मुश्किलें हैं बैंकिंग सेक्टर की वो सारी उभर के सामने आ गई और बैंकों ने सारे प्रोविजन कर लिए, मुझे नहीं लगता है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट देखे होंगे, उनमें खुद ने मैनेजिंग डायरेक्टर ने एडमिट किया कि नहीं थोड़ा प्रेशर अभी भी और है, SME सेक्टर्स में भी है, तो मेरे हिसाब से आज जब स्टेट बैंक के रिजल्ट आएंगे तब भी वो रहेगा, आपने एक्सिस बैंक, ICICI, आज स्टेट बैंक का देखेंगे,
तो मुझे लगता है अभी दो क्वार्टर तो मिनिमम है, अगर तीन क्वार्टर ना हो तो मतलब मेरे लिए एक खुशखबरी होगी, बट दो क्वार्टर में तो आप और मान के चलिए कि अभी और प्रोविजनिंग का रूम बाकी है, कुछ और प्रॉब्लम अभी भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि जो सेक्टर्स में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, पावर ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, वहाँ आज भी मुश्किलें बरकरार हैं। तो बहुत पावर सेक्टर के अंदर तो कुछ कुछ नहीं हुआ, कोई पीपीए नहीं है, कोई जनरेशन नहीं है, तो कैसे काम होगा? तो सारी प्रोविजनिंग तो नहीं हुई है और उन एसेट का कोई बायर नहीं है। आज अगर आप देखें तो जो S4 ये वगैरह निकाला है, इसके अंदर कोई पावर सेक्टर का एक भी एसेट नहीं आया कि किसी ने S4A कर लिया और बैंकर ने भी वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। बिकॉज बैंकर आर ऑल्सो नो आर अवेयर ऑफ इट कि आगे चलते किसको हम ये बेचेंगे, एसेट खरीदेगा कौन हमारे से, और वी कांट बी इक्विटी ओनर्स ऑल द टाइम। एक और चीज सर, अभी आप जैसे कि आपने खुद कहा कुछ देर पहले कि ये अर्निंग सीजन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, आई मीन वर्स्ट इज ओवर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लिक्विडिटी इस वक्त मार्केट्स को ड्राइव कर रही है सर। एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, अमूमन जितने डिस्कशन हो रहे हैं उसमें यही निकल के आ रहा है कि बाजार के मार्केट प्राइस और साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट लिक्विडिटी विच इज चेंजिंग द मार्केट्स राइट नाउ। ये लिक्विडिटी अभी कोई ड्राइव करती हुई नजर आ रही है या फिर रुक जाए थम जाए, ऐसा कोई आपको इंप्रेशन मिल रहा है सर? नहीं देखिए, दुनिया भर के अंदर आप देखें तो अगेन एवरी मार्केट इज अ रिलेटिव मार्केट, तो इंडिया विल लुक मच बेटर, डेमोक्रेसी है, मोदी साहब की सरकार है, मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, GST का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, तो सारे फैक्टर्स ऐसे लगेंगे कि नहीं इंडिया कुड बी और इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ गुड डेस्टिनेशन। और आप लोकल में अगर देखें तो सबका व्यू है कि इंटरेस्ट रेट और कम होंगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगी और काफी हद तक कम होती जा रही है तो भी एक बनता है कि जो है इक्विटी विल लुक मच बेटर देन फिक्स इनकम। तो उसके चलते कोई बहुत मतलब अगर कोई बहुत बड़ा दुनिया में कोई झटका आता है या US में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है और कोई चीज आती है तो शायद हमारे को एक झटका लगेगा, नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट 10% के ऊपर नीचे में चालू रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग के 9000 के ऊपर चले जाएंगे या बहुत 8500 के नीचे गिर जाएंगे निफ्टी में। सो आई थिंक वी विल बी रेंज बाउंड फॉर एनी न्यूज, वेदर बैड और गुड, तो दोनों के चलते मार्केट उसी के इंतजार में रहेगा। एक और चीज़ सर, मैं लौट के उसी विषय पे आऊँगा, अब जो बात आपने आखिरी में कही थी वो बार बार मेरे जहन में स्ट्राइक कर रही थी सर, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इस पे लौट के आ रहा हूँ। अभी अब सेबी को अल्टीमेटली इस पे क्या रुख रखना चाहिए, क्योंकि देखिए एबी मनी ऑलमोस्ट 42% ड्राइव हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, दैट मीन्स आपने ये खबर कहीं ना कहीं लीक की है, सिस्टम में खबर थी, सेबी का रुख इस पर क्या होना चाहिए? और आई थिंक जिस तरीके से प्राइस रिएक्शन है, खुद ग्रुप को क्या इससे सीख लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सेबी को इस पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए, एबी नो के शेयर, इवन ग्रासिम के शेयर अगर आप देखें तो जो 3500-600 से उसके चलते 5300 तक गए थे, और फिर ये जो कल का बोर्ड मीटिंग थी इसकी न्यूज 4 दिन तक सब मीडिया के अंदर पूरी चल रही है, शेयर प्राइस इतने कम हो रहे हैं, ग्रासिम और एबी नो कोई बहुत छोटी हल्की कंपनियां नहीं है और कोई हल्का ग्रुप नहीं है, कुमार मंगलम बिरला साहब के नेतृत्व में तो सेबी ने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेयरमैनशिप में बनाया था, तो एक आदमी का इतना बड़ा वजूद है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और उनकी कंपनियों के हिसाब से ऐसे काम होता है, तो ये तो सेबी की बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसमें से क्या तथ्य निकल के आते हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए। मुझे दो एक लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल आज हिंदुस्तान के अंदर इतने जो बड़े कॉर्पोरेट हैं ये हमारे आइकॉनिक कॉर्पोरेट हैं, आज अगर आप वही बात सर, इंफोसिस ले लें, आई थिंक दे हैव टू राइज अबव ऑल दिस पैटी कंसिडरेशन कि हमारी शेयर होल्डिंग ये करते 30-39% हो जाएगी, बहुत पैटी कंसिडरेशन है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने आगे सलाह भी दी है तो किसी सुन लेनी चाहिए पर उस पर काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे काफी ये दिक्कत होती है कि इतने बड़े जो हमारे दिग्गज हैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अगर ये भी बहुत छोटे प्रलोभन में आ जाएंगे तो छोटा आदमी तो बेचारा अपनी कंपनी भी बेच के निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कैसे काम होगा, कहाँ कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का रुका रहेगा कि यार ये काम ठीक हो रहा है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पर बाजार पर वैल्यूएशंस पर और क्यू नंबर्स पर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए। तो आई कैन इन्वेस्ट एडवाइजर्स के मिस्टर अनिल सिंह की इस डिस्कशन में थे, उन्होंने कहा कि देखिए आदित्य बिरला ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग की सेबी की जाँच डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए ये खबर पहले तो सिस्टम में होने नहीं चाहिए थी, हमने भी डिस्कस करी थी तो हमें डिस्कस करना पड़ा अगर आप देखें, लेकिन ये खबर सिस्टम में नहीं होनी चाहिए थी। ग्रासिम क्यों इतना ड्राइव हुआ, एबी नोवो क्यों इतना ड्राइव हुआ और एग्जैक्टली उसके बाद जिस तरीके से डील का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि शायद वो एक छोटे इन्वेस्टर का हित सिक्योर नहीं करती, वो उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए आई थिंक दो प्रोस्पेक्टिव उन्होंने अपनी अपनी बात कही, एक तो ये कि इसकी सेबी से जांच होनी चाहिए और दूसरी ये कि खुद ग्रुप को इसके बारे में सोचना चाहिए।
ये सोचना चाहिए जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग करी है शायद वो किसी भी प्रलोभन में आके करी हो, एडवाइजर्स ने बोला हो, लेकिन आई थिंक ये एक सही रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है।